सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा और 6 संगठनों के संयुक्त मंच ने 39 सूत्रीय मांगों को लेकर सामूहिक अवकाश पर जाने का निर्णय किया है, जिससे आम जनता से जुड़े काम प्रभावित होंगे। कर्मचारी प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली, अधिकारी कर्मचारियों को पदोन्नति देने जाने, गृह भाड़ा भत्ता दिए जाने जैसे मांगों को लेकर हड़ताल पर रहेंगे, जिससे प्रदेश में किसी भी तरह के रजिस्ट्री समेत कोई दूसरे काम नहीं हो पाएंगे। मध्य प्रदेश में आज तमाम सरकारी दफ्तरों में तालाबंदी है, क्योंकि राजपत्रित कर्मचारियों से लेकर तृतीय श्रेणी के कर्मचारी आज धरने पर हैं और प्रदेश के करीब 4.5 लाख कर्मचारी अलग अलग संगठनों के तहत आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से विभिन्न मांगे। आप देख सकते हैं सतपुड़ा भवन के सामने तमाम कर्मचारी जो है वो यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और क्या कुछ मांगे हैं उसको लेकर हम बातचीत भी करेंगे। खासतौर से पूरे प्रदेश में आज ये आंदोलन किया जा रहा है। मंगेश तिवारी जी, सर क्या कारण है आज जो काम बंद हड़ताल कर रहे हैं? देखिए, कर्मचारियों की 39 सूत्री मांगे हैं और उन 39 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग लगातार सरकार को पहले भी चेतावनी देते रहे हैं, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया है और उस वजह से आज हमें ये स्थिति बनी है कि पूरा प्रदेश का चतुर्श्रेणी से लेकर राजपत्रित अधिकारी तक इसमें हड़ताल में है। दफ्तरों के ताले नहीं खुले, वाहन चल नहीं रहे, कोई काम हो नहीं रहा है और ये अनदेखी सरकार के द्वारा जो की जा रही है उसको लेकर ये 10 सितंबर को एक बड़ा धरना भी रखा है। उसके बाद भी अगर सरकार नहीं चेती तो एक अनिश्चितकालीन आंदोलन की रूपरेखा बनाई जाएगी और पूरा प्रदेश अनिश्चितकाल के लिए बंद किया जाएगा, क्योंकि हमारे चाहे वाहन भत्ते की बात हो, मकान किराए की बात हो, पदनाम की बात हो, या हमारे लिपिकों की ग्रेड पे में विसंगति की बात हो, या फिर हमारे पदोन्नति की पे जो रोक लगी है 6-7 साल से उसकी बात हो, ये बहुत सारी विसंगति हैं जो सरकार 39 सूत्री मांगे हैं, जिसमें शिक्षकों की मांगे, हमारे न्यायालय के कर्मचारियों की मांगे, हमारे वाहन चालकों की समस्या है, जो टैक्सी प्रथा बंद की जाए, आउटसोर्सिंग प्रथा बंद की जाए, ये सब समस्याओं को लेकर आज कर्मचारी सड़कों पे है। महंगी शक्कर महंगी दाल अब तो हो गई है ये हड़ताल। पूरे प्रदेश भर के कर्मचारी नेता यहाँ पर पहुंचे हैं और बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पर आते जा रहे हैं। सभी की यही मांग है कि वो चाहे प्रमोशन की बात हो या नियमितीकरण की बात हो, अलग अलग सुविधाओं देने की बात हो, तो उसको लेकर यहाँ पर जो धरना है वो किया जा रहा है। अलग अलग कर्मचारी संगठन यहाँ पर पहुंच रहे हैं, चाहे निर्वाचन आयोग के हो, कर्मचारी संगठन हो, बाकी तमाम जो कर्मचारी हैं वो तालाबंदी कर रहे हैं और सरकार से यही मांगे कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए। अश्विनी सिंह के साथ सुरेश शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल।